आदरणीय श्रीमती दिया कुमारी जी और भारतीय जनता पार्टी की सांसद आदरणीय श्रीमती रंजीता कोहली जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय दिया कुमारी जी से आग्रह करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। नमस्कार। आज मैं और रंजीता जी दोनों ही राजस्थान से सांसद हैं और बहुत ही भारी मन से आप लोगों के बीच आए हैं। बहुत ही भारी मन से, बहुत ही एक ऐसे हम लोग प्रदेश से आती हैं जो हमारे संस्कृति के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, महिला सम्मान के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन आज राजस्थान की ये हालत हो रही है कि ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, महिलाओं पे इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है कि हमारी महिलाएं घर पे भी सुरक्षित नहीं। आज ही भीलवाड़ा में नरसिंहपुरा गांव में कोयले की भट्टी में एक बच्ची की जली हुई लाश मिली। जो बच्ची थी वो अपनी मां के साथ खेत में थी, ये लोग बकरी चरा रहे थे और फिर एकदम से वो बच्ची नहीं मिली। उसके बाद परिजन गए, थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की, उसकी खोज करने का प्रयास किया, फिर वो जो कोयले की भट्टी थी वहां पर वहां गए और वहां पर उसकी बिल्कुल जली हुई लाश मिली है। और अब परिजन कह रहे हैं कि उसके साथ रेप हुआ है, गैंगरेप हुआ है और जो ये घटना हुई है उस पे जो एक्शन लेना चाहिए था वो राजस्थान पुलिस ने नहीं लिया। ये तो मैं आपको सिर्फ एक घटना बता रही हूँ। वही भीलवाड़ा में दो दिन पहले एक बच्ची के साथ स्कूल में कुछ लड़कों ने उसकी वाटर बॉटल में पेशाब भर दिया। इतनी घिनौनी घटना, इतनी ऐसी घटना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसी घटनाएं राजस्थान में बार बार हो रही। कुछ दिन पहले हिंडौन में, करौली में भी एक घटना हुई थी जो एक बच्ची की लाश कुएं में मिली। उसके बाद जब परिजन रिपोर्ट लिखाने गए तब पुलिस वालों ने कहा कि यहां क्यों आए हो, यहां से जाओ क्योंकि तुम्हें ही बंद कर दिया जाएगा। राजस्थान में जो मुख्यमंत्री है वो वहां के होम मिनिस्टर भी हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि इतनी सारी घटनाएं हो रही है, लगातार कम से कम 20 घटनाएं हो रही हैं राजस्थान में, महिलाओं पे इतना दुष्कर्म बढ़ा है, इतना रेप की घटनाएं, आज राजस्थान पूरे देश का रेप कैपिटल बन गया है, ये एनसीआरबी की आंकड़े कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे। क्या इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा, इन महिलाओं ने, ये नाबालिग बच्चियों ने, जो लगातार इस तरह की घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं। 28 की बात करें, 28 जुलाई की, तो एक दिन में कम से कम 21 घटनाएं रिपोर्टेड घटनाएं थी। इसका जवाब कौन देगा, इनको इंसाफ कौन दिलाएगा? इनकी पार्टी की मुखिया प्रियंका गांधी राजस्थान आती है सैर करने, घूमने रणथंभौर, लेकिन क्या वो किसी भी परिवारजन को मिलने गई है? क्या किसी भी पीड़िता के परिवार को उन्होंने दिलासा दिलाया है? क्या नहीं दिलाया? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो क्या राजस्थान की लड़की लड़की नहीं है, इंसान नहीं है? उनको कौन इंसाफ दिलाएगा? ये इतनी शर्मनाक है। बाड़मेर में एक महिला के साथ रेप हुआ, उस पर एसिड डलाया, उसको मार दिया गया। बीकानेर में, खाजूवाला में रेप हुआ, उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व थी। ऐसी घटनाएं मैं आपको कितनी बताऊंगी। अजमेर, जयपुर, अलवर, पाली, डूंगरपुर, हर जिले से कोई ना कोई घटना रोजाना सामने आ रही है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। तो हम लोग आप लोगों के बीच आए हैं, हमारे पास और कोई समझ में नहीं आ रहा राजस्थान की महिला को कि वो कहां जाए। वहां के मुख्यमंत्री को अब सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। उनके मंत्री कहते हैं विधानसभा में कि ये तो राजस्थान है, ये मर्दों का प्रदेश है, इस तरह की घटना होना तो जायज है, और उस मंत्री को वो शाबाशी देते हैं। सब लोग हंसते हैं उनकी बात पे विधानसभा में। और दूसरी ओर एक और मंत्री जिनको उन्होंने निकाल दिया, वो कहते हैं कि मणिपुर की बात तो चलो ठीक है, लेकिन हमको हमारे गिरिबान में झांकना चाहिए, उनको वो बर्खास्त कर देते हैं। राजस्थान में वो कर क्या रहे हैं? सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आज बहुत ही इतनी ज्यादा शर्मसार घटनाएं हो रही हैं, दिल दहलाने वाली घटनाएं हो रही। शर्म आता है, मुझे शर्म आती है कि मैं एक ऐसे प्रदेश से हूं जो मीराबाई का प्रदेश है, पद्मिनी का प्रदेश है, पन्नाधाई का प्रदेश है,
भक्ति शक्ति त्याग का प्रदेश है, लेकिन आज उसकी ये हालत हो गई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रंजीता जी से आग्रह है कि आप सबको संबोधित करें। नमस्कार, मैं ऐसे प्रदेश से आती हूँ, राजस्थान प्रदेश से, जहाँ कभी कहा जाता था पधारो हमारे देश। आज राजस्थान को जिस तरीके से एक रेपिस्ट राजस्थान बनाकर रख दिया है, तो जो जिस तरीके से मैं कह सकती हूँ, जिस प्रदेश में हम रहते हैं वहां पर आज जो पद्मनी और पन्ना धाय का जो बेटियों के सम्मान के लिए राजस्थान को माना जाता था, आज बहुत मन व्यतीत है। और हम लोग आपके सामने इसलिए आए हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से आप देखिए कि जो घटनाएं हो रही हैं, वो दिल दहलाने वाली घटना है। आज हम कह सकते हैं करौली की घटना, जो एक बेटी के ऊपर एसिड डालकर और जला दिया जाता है, कुएं में फेंक दिया जाता है। दूसरी ओर आप देखिए जोधपुर की घटना, बहुत दिल दहलाने वाली घटना है। ये राजस्थान में पहली घटना नहीं है, राजस्थान में ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं, जो कि हम कह सकते थे कभी राजस्थान में बेटियों के सम्मान के लिए युद्ध हो जाया करते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से जनता के प्रति उन आरोपियों को पकड़ लिया जाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि हमने पकड़ा है, लेकिन मैं कहती हूं कि ऐसे केसेस होने की ये क्या इंतजार करते हैं? क्या इनको ऐसा लगता है? ये आज तक कोई भी ऐसा इन्होंने नहीं करा जो हमारी बेटियों को सम्मान मिल सके। इन्होंने बेटी के सम्मान के लिए आज तक क्या करा है? मैं पूछना चाहती हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने जिस तरीके से हमारे राजस्थान को एक रेपिस्ट राजस्थान बना दिया है और ऐसी दलित महिलाओं पर अत्याचार, दलित बेटियों पर अत्याचार, हमारी मासूम बेटियों पर अत्याचार, इस तरीके से जिस तरीके से अभी दिया जी ने भी आपको बताया कि हमारे राजस्थान को आज आंकड़े के साथ आप लोगों को हम लोग बता सकते हैं कि पूरे देश में राजस्थान नंबर वन पर आ रखा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ, इनके में भी प्रियंका गांधी जी कहती हैं मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आज तक आप राजस्थान में आकर के एक भी परिवार को आकर के मिले? नहीं मिले, क्योंकि आप सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ती हो और कुर्सी की लड़ाई के लिए ही आपने एक नारा दिया था मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अगर आप लड़ सकती हो तो आप उन बेटियों के लिए लड़िए जो आज दर्द सहन कर रही हैं, जो उनके लिए इंसाफ नहीं मिला है, उनके लिए कोई इंसाफ नहीं किया जा रहा है। आप उनके लिए क्यों नहीं मिल रही? आप उनके लिए क्यों इंसाफ नहीं कर सकती हैं? आप सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये नारा दे सकती हैं। और मैं कहना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिस तरीके से राजस्थान को रेपिस्ट बना रखकर रख दिया है, हमारी महिलाओं को जो इंसाफ नहीं दे सकते, उनको कोई अधिकार नहीं है कुर्सी पर बैठने का, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमारे पूरे राजस्थान को आज बेटियों के साथ कोई इंसाफ नहीं करा गया। हम पन्ना धाई की धरती से आते हैं जो कि बेटियों का सम्मान करते हैं, बेटी को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है, सरस्वती के रूप में माना जाता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से राजस्थान को एक कलंकित कर दिया है, ये बहुत ही सोचने का विचार है। इस विषय में आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो आमंत्रित हैं। डेटा पता नहीं कहाँ से वो लेके आते हैं, हमारे पास भी एनसीआरबी की रिपोर्ट है जो अभी आपको, अगर आपको आवश्यकता है तो आपको दे दी जाएगी। 2021 की जो एनसीआरबी रिपोर्ट है उसमें राजस्थान रेप में सबसे आगे है और ये सब कुछ सामने है। उनको मुझे लगता है कि वो इतने बौखला गए हैं कि उनसे सिचुएशन संभल नहीं रही है, इसलिए वो अब ऐसी बातें कर रहे हैं। जी we are seeing that continuous press conferences coming from the media.
cases against women are not stopping. Why don't, what is going to be your plan? How BJP will take this issue forward? Because by merely doing press conferences, these things will not stop. It is happening. Why don't you go for some special discussion on the floor of parliament when House is in question about this situation of Rajasthan? Yes, see, we can bring it up in parliament. Parliament also, a lot of us have brought this up from time to time during zero hour and question hour. But it is not the central government who we need to question. It is the government of Rajasthan. And the MLAs in Rajasthan have been bringing this up in the Vidhan Sabha there. We've had lots of protests on the roads. And I would like to tell you, on the 5th of July, we had a massive protest of all the women. And they were not only BJP ladies. They were not only Mahila Morcha Bharatiya Janata Party. Those ladies from all walks of life. We had people who were Padma Shris, national awardees, sportswomen, and others as well, who joined us for this protest. Because every woman feels so unsafe in our state today. It is so unfortunate. Anybody, even I think our, by the way, the Congress MLA herself said, I am not safe. What will I talk about other women? You would know that even our Honorable MP Ranjita Ji had been attacked thrice. And now she has special security because of that. Nobody is safe in Rajasthan today. It is so sad. See, Rajasthan is a state where a lot of tourists come. It is a state where everyone, the way they see Rajasthan, they see it like, you know, it's one of the best states, safest states, safe for women. In every way, Rajasthan has such a good image internationally. But unfortunately, the Gehlot government has ruined that. They have made it into महिला अत्याचार के लिए, महिला बलात्कार के लिए, महिलाओं की असुरक्षा के लिए राजस्थान नंबर वन है. महिला घर से बाहर नहीं जा सकती. ये हालत है आज. इट इज सो सैड. देखिए, मैंने अभी बोला कि दिव्या मदेरणा जी का ही मैंने अभी जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि मैं खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती राजस्थान में. बिल्कुल, जोधपुर में बहुत सारी घटनाएं जोधपुर से और जोधपुर संभाग से सामने आ रही हैं लगातार. बहुत दुख की बात है कि जिस क्षेत्र से वो बने हैं विधायक और उनका क्षेत्र है, वहां भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है. देखिए, मैं उनको पूछना चाहूंगी, बहुत कुछ वो कर सकते हैं लेकिन वो करने का प्रयास ही नहीं कर रहे. जो हमारी जब सरकार थी राजस्थान में, तब सीसीटीवीज थे, सैंक्शन थे, लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि वो सीसीटीवीज लगे ही नहीं है. अगर आप जगह जगह पे महिलाओं के लिए सुरक्षा बढ़ाएंगे और पर्याप्त आपको जो इंतजाम करने चाहिए वो करेंगे, तो अपने आप इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी. दूसरा, जो एक्शन समय पे लेना चाहिए राजस्थान सरकार को, वो कभी भी नहीं लिया जाता. उल्टा ये होता है कि अगर परिजन जाते हैं रिपोर्ट दर्ज करने, तो उनको ये कहा जाता है कि तुम लोग जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हें ही बंद करके हम लोग जेल में बंद कर देंगे. धन्यवाद. धन्यवाद.